BGX. एक चीज तो मैंने बॉम्बे में सीख ली है भाई, जूते साफ करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाहर निकलोगे बारिश होगी, मिट्टी होगी, तो जूते गंदे होंगे ही होंगे। मैं इतने साफ करके अपने ये स्पोर्ट्स शूज रखता हूँ, ठीक है, लास्ट मैंने पहने थे कुछ हफ्तों पहले और मैंने पूरे चमकाए थे और उसके बाद पहने थे और उसी दिन इतने गंदे हो गए कि मेरा मन उतर गया पहनने, और मैंने कहा यार लिए हुए जूते तो पहनूं तो पूरा यूज तो करूं, तो आज पहन रहा हूं। वैसे हैप्पी गुड मॉर्निंग, हम तो चले कॉलेज सुबह सुबह 9:30 बजे फाइनली टाइम पे जा रहे हैं, बड़े दिनों बाद। ऐसा नहीं जाता टाइम पे, जाता हूँ बट एक आधी क्लास में गुठली मार लेता हूँ और फिर जाता हूँ, बट आज मैं जा रहा हूँ एकदम पहली क्लास से। तो और मेरे में सुबह से एनर्जी भी अच्छी, जबकि मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ कि नींद नहीं आ रही थी मेरे को, बट स्टिल आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन माय बॉडी एंड अ गुड अमाउंट ऑफ एंथुसियाज्म इन माय बॉडी, व्हिच इज गुड, व्हिच इज एक्चुअली नीडेड टू स्टार्ट ऑफ द डे वेरी गुड एंड गुड डे टू अस भाई, गुड डे टू अस। आई होप ये एनर्जी के साथ जो मैं जा रहा हूँ इसी एनर्जी के साथ वापसी आऊँ विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट्स, मैं वापस आऊँ ऑल दो कॉलेज की टी शर्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि गार्ड अगर रोक लूक दे गेट पे तो दिखाने के लिए होना चाहिए कि हाँ वो कभी कर देते हैं कि यूनिफॉर्म का है। कभी सोचा नहीं था भाई कॉलेज में आके भी यूनिफॉर्म का डंडा रहेगा, और आज मैं थोड़ा ड्रिप ड्रिप होके जा रहे हैं, सैंडो सुंडो ऊपर से जैकेट जूकेट मस्त वाली, ये शेर भाई की जैकेट मैंने बोरो करी उनसे कि मेरे को पसंद आ गई, तो मैंने कहा दे दो जरा मंडे तक के लिए, दे दो मंडे को पहन के आऊंगा, उस दिन मैंने पहनी थी आज मैं पहनूंगा। कपड़े बोरो करना कोई बुरी बात, मैं जिसके भी कपड़े बोरो करता हूँ मैं उसे अपने कपड़ों की तरह रखता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे कपड़ों से बहुत प्यार है, ठीक है। दो चीज मेरी जिंदगी में जिनसे मेरे को अपने आप की जिनसे मेरे को ज्यादा प्यार है, जूते नहीं कपड़े और बाल, यही दो चीजें जिनसे मेरे को सबसे ज्यादा प्यार है, यही दो चीजें जिनका मैं सबसे ज्यादा ख्याल भी रखना प्रेफर करता हूँ, विच इज मी। बड़े दिनों बाद रिप्ड जींस पहनी, ओए होए वापसी आ गए थोड़ा फॉर्म में, सही तो लग रहे हैं, कुछ नहीं कहो, चमक तो रहे, हेयर कट भी बढ़िया लग रहा है, हाँ चमक तो रहे हैं, सोने मुंडे बाबे चेक करो। बाहर का भाई इनमें से किसी लिफ्ट का 12 पे थी, मैंने बुलाई एकदम से ऊपर चली गई, देखो कभी नहीं रुकेगी, जो लिफ्ट बुलाओगे वो लिफ्ट कभी नहीं रुकती इधर, वो हमेशा ऊपर जाएगी, फिर कोई रैंडम लिफ्ट आएगी और उसमें आपको जाना पड़ेगा, वरना नॉर्मली ये जो लिफ्ट है, जैसे मैंने बुलाई ठीक है 12th पे थी, मैंने कहा चलो 13th पे आ जाएगी, एक फ्लोर ऊपर आने में गया, उसमें 13 दिखाया, फिर एकदम से ऊपर चली गई, रुकी नहीं, अब दूसरी लिफ्ट जो ग्राउंड फ्लोर पे थी वो 13th पे आई है, क्या सिस्टम है समझ नहीं आता भाई, लिफ्ट तेज है लेकिन तब भी भाई बड़ी कंफ्यूजिंग है, कभी भी कुछ भी हो जाती, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी लिफ्ट है। गुड स्टार्ट टू द डे भाई, कॉलेज घुसते ही गार्ड से थोड़ी सी मतभेद हो गई, गार्ड वाला पता नहीं क्या है यार, ये गार्ड फिगर है मेरी जिंदगी में शनिचर है कसम से, आईडी दिखा रहा हूं तब कर रहा हूं, कह रहे जैकेट क्यों पहन के आए हो, ये क्यों है वो क्यों है, हेलमेट क्यों हाफ फेस है, फुल हाफ फेस है, हेलमेट तो पहना है उन्होंने, नहीं कि स्टोन में बात करो, मैंने मैं तो आराम से बोल रहा हूँ, तुम देखो तुम कोई हो जो क्रिमिनल बुला देते हो हमें, ठंडोरी बाबे ठंडोरी बहुत ज़्यादा क्लास में ठंडोरी, इट्स मोर ओवर लाइक अ ब्रो नोज़ अ स्पॉट, और फिर इधर आ जाओ कॉलेज के बगल में, नाइस भाई गुड स्पॉट कॉलेज के बगल में, वो भी बड़ा वैली व्यू नॉइस, क्या बुला, नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, बुला 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 बुला, थिएटर से तुम्हारी वीडियो बना जाएगी, अरे नहीं नहीं बुला, किसको बुला रहे तू, मौलवी साहब को, कहाँ है तो क्या मेरे साथ निकाह करने का तेरा इरादा है, ओ, तो फिर वो कौन ब्याह कौन कराता है, मौलवी कराता है ब्याह, हाँ ब्याह कौन कराता, कोई नहीं, स्टडीइंग इन मुंबई प्लेयर्स, अस टॉकिंग अबाउट भाई कॉलेज में कुछ करने के लिए नहीं, कैंटीन में आ रखे हैं, टाइम देखना, अरे टाइम देखना तो घड़ी, हाँ टाइम क्यों, अरे सस्ती घड़ी भी नहीं देखते हम, अरे नोने, अरे टाइम नहीं दिख रहा, अरे टाइम नहीं दिख रहा, टाइम करा 1:20 हो रहे, हाँ हाँ और रूडी नाइस बेली शेक ब्रो, और मैक्सटन, तेरा नाम मैक्सटन है, नहीं ये बुलाता तेरे को, मुझे पता है क्यों बुलाता है मैक्सटन, क्यों है मेरा नाम मैक्सटन, ओए करण मेरा नाम मैक्सटन क्यों है, किसको नहीं पता, लगता नहीं है मैक्सटन, नहीं तू तू लगता है वैसे, दिल्ली में रहता, सोचा याद दिला दूं कहीं किसी, मैं दिल्ली का हूं, थ्रेड दे रहा, थ्रेड दे रहा, मैं दिल्ली का हूं भाई, तू दिल्ली का होगा, मैं वेस्ट दिल्ली का हूं, अबे ओए द्वारका ओए जमुना पारी, नो 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 नो, सेलिब्रेट सिनेमा की तैयारी चल रही है बहुत तगड़ी कॉलेज, और क्लासेस आर डन, अब थोड़ी देर वेट करना है कि पारसी प्लेयर्स ले, वो प्ले देख के जाना जरूरी है, भाइयों की क्लास हो गई लेकिन भाइयों को अभी कॉलेज वापसी जाना पड़ेगा, लेकिन भाई आए हैं घर, अब ये अगर मैं शिफ्ट हो जाता अंधेरी साइड गई तो ये शायद मैं नहीं कर पाता कि घर आके कपड़े बदल लिए, क्योंकि एक ही बार आना और एक ही बार जाना होता कॉलेज से, ऑल्दो कोई भरोसा नहीं मैं फ्यूचर में शिफ्ट हो जाऊं नहीं हो जाऊं, बट अभी के लिए नहीं हो रहे हैं, लेकिन घर आए हमने कपड़े बदले,
रिलैक्स्ड भाई, रिलैक्स्ड फिट। अब जाएंगे स्पोर्ट्स वेयर में कॉलेज, परफ्यूम मार लेते अच्छा वाला। अब अगर हमने स्पोर्ट्स वेयर पहना तो स्पोर्ट्स वेयर के साथ स्पोर्ट्स वेयर वाली वाइप। तो पहले मारेंगे हम डियो। ये चाहिए लाडर, और उसके अंदर मारेंगे पार्क एवेन्यू की। पार्क एवेन्यू है ये, ले ले बीटल्स ले ले, क्योंकि ये है क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स स्प्रे, नॉट स्पोर्ट्स स्प्रे बट ठीक है डेली वेयर। नाउ वी आर गुड टू गो। और दोनों भाई सिस्टम ही हैंग करने को हो रहे। रुक जा, ये पहनेगा तू? ये मैंने नहीं पहनी आज तक यार, अभी तक मैंने नहीं पहनी। नहीं पहन रहा यार, निर्वाणा दे दे तू मेरे को। ये मेरी फेवरेट है। तो क्या हो गया, मैं भी तेरा फेवरेट हूं। ये पहन ले, अबे एडिडास पहन ले ना यार। निर्वाणा दे, अबे नहीं ये मेरी फेवरेट है। तो क्या हुआ, ये सबको पता है मेरे पास है, पूरे कॉलेज में किसी के पास नहीं। यही तो कोई बात नहीं, ये पहन ले भाई एडिडास टोक्यो एडिशन लिमिटेड। और कुछ पहन ले तू, कोई भी टी शर्ट ले ले इसको। बड़ी चाहिए यार, बड़ी तो ये ओवर साइज है पागल। ये ओवर साइज, तू ओवर साइज बोलना, तेरे को ओवर साइज चाहिए। हाँ तो लेना ओवर साइज। ग्रीन मामला है भाई, एकदम एकदम क्रीम कंडीशन है भाई साहब, एकदम मतलब करारा माल ला के दे रहे। देखो हम झूठ नहीं करते, हम झूठ नहीं करते बड़े भाई, आपको एकदम करारा माल देंगे। मेरी अलमारी की ऐसी की तैसी कर दी तूने साले, शर्म ना आई भाई? मैं सोच रहा सुन, छोटी छोटी ये छोटी पोनी बना लो इधर पीछे। नहीं बात सही लग रही है अभी। अबे इधर ही पीछे ये नहीं, अभी मत बनाओ, नहीं बनाऊं बढ़िया लग रहा है भाई। नहीं यार ये वो फील नहीं आ रही मुलेट वाली, जब तक मेरे ना पूरे पीछे बैठेंगे नहीं। नॉर्मल हेयर स्टाइल लग रहा है मेरा, ठीक है चलो आप चल दे। This is right here with the black jeans, the Converse right there, with the cap right here, with the Farak t-shirt right there. And the guest watch right here. And what else? The keychain right here. The JBL speaker right there. And what else on the drip, bro? No. Tell me. And mini packer right here. देखो मैं सीरियस हूँ डांस को लेके, और मैंने कहा परफॉर्म करते भाई, सिलेक्ट सिनेमा में कुछ तो करना है, क्रू वर्क नहीं कर रहे तो डांस में लग गए, और डांस कर रहा हूँ मैं फाइनली। अभी प्रैक्टिस करके बैठे, एक फाइनल की टेक करेंगे फोटो वीडियो, एंड देन वी गुड टू गो। लेट्स गो, चलो भाई। जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ कमरे से, कोई एक बंदा आके मेरे हाथ में चाय का कप पकड़ा रहा है। ये सोचा था मैंने आफ्टर स्कूल, और यहाँ खुद चाय बनानी पड़ रही है अपने लिए, अकेले बैचलर हो चुका हूँ, कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं है। सोचा जो सोचा था वो भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसका 1% भी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, वो 1% भी नहीं हो रहा, एक क्या आधा भी नहीं हो रहा, आधा कुछ नहीं हो रहा भाई। सड़ गया हूँ बस, स्कूल के बाद मजे, घंटा मजे है भाई। जब से कॉलेज से आया तब से कुछ व्लॉग ही नहीं करा, एंड इट्स 1:30, इतना लंबा कैप ले लिया। नहीं आलस नहीं था, मन नहीं कर रहा था, बीच में घर आके थोड़ी देर थका हारा इतना था कि आके सो गया मैं। 8 बजे मैं कॉलेज से आया हूँ डांस टून्स करके, क्योंकि मैंने फाइनली कॉल ली कि लेट्स टेक पार्ट इन सेलिब्रेट सिनेमा का डांस फाइनली। तो डांस टून्स करा, अच्छे से प्रैक्टिस करी, ऑल्दो वी हैव लाइक 2 डेज लेफ्ट, 2 दिन में हमें प्रिपेयर करना है पूरा, उसके कर लेंगे यार, इतना कुछ लोड नहीं कर लेंगे। रूडी है सब हो जाएगा, रूडी के ऊपर पूरा भरोसा, रूडी अपना बेस्ट डांसर है भाई। उसके बाद आया थोड़ी देर पावर नैप ली, फिर उठ के चाय चुई पी के डिनर करके बैठे हुए हैं ऐसे। फिर बात ही कर रहा था, रबजोत से बात हो रही थी, निष्ठा से हो रही थी, घर पे हो रही थी, घर वाले तो मेरे निकल गए अब सिंगापुर क्रूज पे। भाई जिंदगी वही जी रहे भाई मेरे घर वाले, हम तो फुद्दू हैं,
बट ठीक है भाई, काम से ही गए हैं मेरे घर वाले, तो समझ में भी आता है, वो गए भी तो हमारी वजह से, हमारे लिए ही हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो। उस टर्म्स भी सिंगापुर गए, मतलब घूमी घूमी भी करने गए, बट वर्क के पर्पज से भी गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमी घूमी करने गए, मेनली वर्क के पर्पज से गए। घूमी घूमी इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क पर्पज। लेट मी क्लैरिफाई टू यू, दे हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेरी बिग इंटरनेशनल वेडिंग प्लानिंग इवेंट। मम्मा हैज़ बीन इनवाइटेड, लेकिन मम्मा पापा दोनों गए हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली। मेरा कभी प्लान नहीं था जाने का, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा भी प्लान था जी जाना, नहीं मेरा नहीं था, बिल्कुल नहीं था मेरा, बिल्कुल नहीं। हाँ मेरा शायद कहीं और जाने का प्लान हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं था। अदर दिन दाड़ कुछ नहीं, बस बैठे ही हैं, कुछ करने को है नहीं। हेक्टिक, बड़ा फन डे, वेरी फन डे। हाँ मैंने ज़्यादा प्ले भी नहीं देखा, प्ले मेरे को समझ नहीं आता था, थोड़ा स्लो पेस था, और मैं वैसे ही 4 घंटे से तो मेरे को नींद भी आ रही थी, तो मैंने कहा बेटर टू लाइक नॉट सिट एंड स्लीप देयर, क्योंकि सुन तो मैं रहा नहीं हूँ, तो इट वुड टर्न आउट टू वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू समवन कि तुम उनका प्ले देखते हो सो रहे हो। इट्स बेटर यू वॉक ऑफ रादर देन, वो वॉक ऑफ करना भी एक डिसरिस्पेक्टफुल ही है, बट वो सोने से थोड़ा कम ही है, इफ वी बी वेरी प्रिसाइज। बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम। और क्या, और कुछ नहीं, 2-3 ऑर्डर मारे मैंने, क्या बोलते हैं, एक मैंने स्ट्रॉस की, क्या बोलते हैं सर उसकी, जेम्स की मैंने एक इनिशियल चेन मंगा ली अपने, जिसमें वी है, सिल्वर चेन चाहिए थी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ एक और पियर्सिंग की, नई पियर्सिंग, एंड मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे को दो करानी है, एक ही कान में दो करानी है क्योंकि स्पिरिचुअल पर्पज से, तो इधर और होगी, इधर होगी आगे, नहीं पीछे ही होगी, इधर होगी। मन हो गया टैटू करवाने का, अब घर पे गाली पड़ेगी तो पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इधर आना है टैटू, ठीक है। वीन्स देखो बाबे, अभी आ नहीं रही लेकिन ठीक है, एक इधर कराना है टैटू, ये जो खाली गैप है, एक इधर कराना है और एक इस बाइसेप पे कराना है, देन वी आर डन, देन वी आर डन। और अब जिम भी चालू करना है भाई, थोड़ी वीक हो रही है बॉडी, थोड़ा मसल गायब हो रखा है, अब वो हटान, ये मतलब नैटी होना पड़ेगा, नेचुरल गेन पे आना पड़ेगा, हार्डकोर जिमिंग चालू करनी पड़ेगी।